बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एनसीबी रिमांड पर है। बताया जा रहा है कि एनसीबी को 2 हफ्ते पहले ही रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर एनसीबी अधिकारियों ने प्लान बनाया और क्रूज शिप का टिकट खरीदकर उस पर सवार हो गए। जैसे ही पार्टी में शामिल लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू किया तो अधिकारी अलर्ट हो गए और उन्होंने आर्यन समेत 8 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आर्यन समेत गिरफ्तार किए गए लोगों पर NDPS एक्ट 1985 के तहत सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, सेक्शन 27 और सेक्शन 35 के तहत केस दर्ज किए गए। चलिए आपको बताते हैं, इन धाराओं के तहत अगर आर्यन खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कितने साल की जेल हो सकती है। सेक्शन 8, जानबूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना जो इस कानून का उल्लंघन हो, रिकवर किए हुए ड्रग्स के आधार पर केस दर्ज होता है। सेक्शन 20, आर्यन खान के मामले में जब्त किए गए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत स्मॉल कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है। सेक्शन 27, यह धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है, इसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 35, इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालत मंशा क्या थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना नहीं था। आईएन ब्यूरो।